वेलकम बैक यार लोग, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी एक न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्राफ्ट करने वाले हैं कस्टम ओपी सैपलिंग्स, और उन सैपलिंग्स के अंदर से हमें मिलेगी ओपी ओपी आइटम्स, जिनके हेल्प से हम लोग जाएंगे डोबाला इंडर ड्रैगन को बीट करने। बड़ा मजा आएगा, तो बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मुझे क्राफ्टिंग टेबल को बनाना होगा, ताकि मैं उन सभी डिफरेंट सैपलिंग्स की रेसिपी को पता कर सकूं। तो क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए मुझे इस बेचारे घर विलेजर के घर को तोड़ना पड़ेगा। सॉरी विलेजर, मेरे को बला अपार दुख हो रहा है तेरे घर को बर्बाद करने में, बट क्या करूं, मैं डिफॉरेस्टेशन छोड़ दिया हूं ना, पेड़ों को नहीं काटता, इसे तेरा घर बर्बाद करना पड़ेगा। जल्दी से बना दे क्राफ्टिंग टेबल, और फिर देखते हैं इनकी रेसिपी को कि कौन कौन से सैपलिंग्स हैं जिनको हमें क्राफ्ट करना है। चलो रेसिपी अनलॉक तो है ही मेरे पास। ओके, ये लैपिस लजूली की सैपलिंग है, फिर डायमंड की है, और नेडेलाइट की भी एक है, नेडेलाइट की भी एक है। अब नेडेलाइट के लिए मुझे नेडल में जाना होगा। फिर कोल है, ऑब्सीडियन है, आयरन है, कॉपर है, एमेथिस्ट। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं किसी को बना सकता हूँ आसानी से, तो वो ऑब्सीडियन वाला है, क्योंकि ऑब्सीडियन वाले को मैं आसानी से क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो क्या बोलते हो, ऑब्सीडियन वाले क्राफ्ट करूँ क्या? क्योंकि देखो हमें 8 ऑब्सीडियन चाहिए, जिसमें 5 ऑब्सीडियन तो मुझे यहीं से मिल गए, और 6 डायमंड भी यहाँ से मिल गए। मतलब मिल सकता है, डायमंड वाला भी हो सकता है, ऑब्सीडियन वाला भी हो सकता है, अगर मुझे थोड़े और डायमंड मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है मुझे सबसे पहले ऑब्सीडियन वाला क्राफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्सीडियन वाले के लिए बगल में ही है। लेकिन उसके पहले मेरे को सैपलिंग कलेक्ट करनी होगी, तो डिफॉरेस्टेशन करना ही पड़ेगा। जितना भी सोचता हूँ कि आपसे मेरा पेड़ काटना बंद, तभी उसी वीडियो में मेरे को डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डिफॉरेस्टेशन कर लेंगे। माफ़ करना प्लीज, पूरा पेड़ काटने पर बस एक ही सैपलिंग मिला, ये कैसी नाइंसाफी है यार। कितने पेड़ काटने पड़ेंगे मुझे, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पेड़ काट लेंगे। अभी मुझे वो बनाना है, वो ऑब्सीडियन का पोर्टल, ऑब्सीडियन का सैपलिंग बनाना है। उसके लिए मुझे एक डायमंड की पिकैक्स चाहिए होगी। तो मैं सोच लूँ कि मेरे पास जो 6 डायमंड है, उनसे एक डायमंड की पिकैक्स बना ले, तो हो सकता है उस ऑब्सीडियन वाले पोर्टल के थ्रू हमें कुछ मिल जाए ऐसा, जिससे हम अपना नेक्स्ट वाला भी बना सके। मैं पोर्टल क्यों बोल रहा हूँ, सैपलिंग है वो। मैं बार बार मेरे दिमाग में पोर्टल आ रहा है, बट मेरे को इस आयरन गोलम को भी मारना होगा, क्योंकि आई नीड आयरन। चलो 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 चलो, प्यार से मल जाओ, प्यार से, क्योंकि मुझे इस आयरन से बनाना है एक आयरन बकेट, क्योंकि वहां पे गोल्ड भी है, लेकिन वो गोल्ड जो है लावा से भरा हुआ है। तो मुझे उस गोल्ड को भी निकालना होगा, और इस ऑब्सीडियन को भी, और इन दोनों के लिए मेरे को वाटर बकेट। हो गया, बस इसको यहाँ से यहाँ कर देते हैं, फिर इस पानी को इधर शिफ्ट करते हैं। बाकी एक गोल्ड ब्लॉक से तो मेरा पूरा का पूरा गोल्ड पोर्टल बन जाएगा। बाकी मुझे 3 ऑब्सीडियन को भी कलेक्ट करना है, फिर मेरे 2 पोर्टल का काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलो सही है, बाकी के लिए तो मेरे को लगता है अभी लंबी घंटों की माइनिंग पे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, माइनिंग पे तो हम लोग चले जाएंगे, पहले इस पोर्टल को क्राफ्ट कर लेते हैं सक्सेसफुली। ओके, पहली सैपलिंग, सेकंड सैपलिंग, दोनों सैपलिंग मेरी बन के अब तैयार है। अब बस इनको लगाना बाकी है, इनको लगाते ही तुरंत ये बन जाएंगे लंबे लंबे ट्रीज। ये बन गया गोल्ड वाला ट्री, अब इसको खोल के देखते कि इसके अंदर से हमको मिलता क्या है। ओके, क्या है, क्या नहीं है, एक बैरल है, बाकी ढेर सारे गोल्ड के ब्लॉक है। गोल्ड के ब्लॉक तो किसी काम के होते नहीं है, बैरल में हो सकता है हमें कुछ अच्छा सामान मिल जाए, खोल के देखते हैं। ओके, गोल्ड का आलमल है, इंचेंटेड गोल्डन एप्पल है, ये एक अच्छा सामान है। बाकी कुछ गोल्डन कैरेट्स वगैरह भी है, बट जब मेरे पास इंचेंटेड गोल्डन एप्पल है, तो मैं उन गोल्डन कैरेट्स और गोल्डन एप्पल्स का क्या करूँगा। अभी ऑब्सीडियन वाला इसको भी लगा के देख लेते हैं कि इससे हमें क्या मिलता है। इसको यहाँ पे लगाते हैं, लग गया। ये विलेजर बेचारे का घली गायब हो गया। कोई बात नहीं, मेरे पास डायमंड की पिकैक्स है, मैं इसको टोल के पता कर सकता हूँ कि इससे क्या मिलेगा। ओके, यहाँ पे एक बैरल होना चाहिए, मे भी है, बैरल है, और इस बैरल के अंदर मेरे को नेदर पोर्टल बनाने का सारा सामान मिल गया। लेकिन मैं जो डायमंड्स वगैरह या फिर आयरन जो चाहिए थे वो नहीं मिला, मतलब कि मुझे माइनिंग पे तो जाना ही पड़ेगा, और थोड़ा बहुत माइनिंग नहीं, घंटों की लंबी माइनिंग पे जाना होगा। कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल पे 1-2 पिकैक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ, बाकी क्राफ्टिंग टेबल लेके माइनिंग पे निकल जाता हूँ सीधा, फिर सारा सामान माइन करके ही आएंगे। अभी मुझे लैपिस लजूली चाहिए, डायमंड चाहिए, नेदरलाइट के लिए तो नेदर में जाना होगा, बाकी
ऑब्सीडियन तो बन गया, आयरन चाहिए। चलो यार पिकैक्स वगैरह सब क्राफ्ट कर लिए हैं और अब चलते हैं यहाँ से ही मैं नीचे डिगिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। नीचे कोई ना कोई केव या फिर कोई माइन शाफ्ट ज़रूर मिल जाएगा, बाकी चलते हैं। ओके माइनिंग स्टार्ट। ओके यहाँ से नीचे इसी तरह से स्ट्रेट माइनिंग करते रहूँगा कहीं मैं लावा में ना गिरूँ। ओ जॉम्बी भैया मेरे को आपको मारना है, क्योंकि वहाँ पे मुझे बगल में लैपिस लजूली दिख रहा है और मुझे उस लैपिस लजूली को कलेक्ट करना है। यहाँ पे ओ स्पाइडर मामी भी है, स्पाइडर जी भी है, कोई बात नहीं स्पाइडर भी गया। यहाँ पे एक टॉर्च लगाता हूँ, आई थिंक यहाँ पे कॉपर भी है। चलो एक साथ डोडो पोर्टल का डोडो सैपलिंग का इंतजाम हो गया। लैपिस लजूली तो हाँ देखो लैपिस लजूली तो इतने सारे मिल जाते, लैपिस लजूली का भी काम हो गया। बाकी यहाँ पे कॉपर है, कॉपर भी मुझे बस सफिशेंट मिल जाए हो गया, कॉपर का भी काम हो गया, 8 से भी ज्यादा कॉपर कलेक्ट हो गए। गाइस तो मैंने लगभग सारे के सारे सैपलिंग्स बना लिए हैं, अब वक्त है इन सभी सैपलिंग्स को लगाने का ताकि हमें इनसे आइटम्स मिल सके। तो मैं लाइन वाइज एक ही रो में सारे सैपलिंग्स को लगा देता हूँ, एक इसको एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब सैपलिंग तो सब लग गया, अब मेरे को एक पिकैक्स चाहिए क्योंकि मेरी डायमंड की पिकैक्स टूट चुकी है। ओके इसमें आयरन का सामान, इसमें लैपिस लजूली सामान, इसमें TNT मिले है, रेड स्टोन मिले है, चलो अच्छा है। बाकी इलाइटला मिल गया, इसमें एक बोम मिला है इंचेंटेड बहुत अच्छा वाला। बाकी कोल इसमें तो सारा कोयले का सामान है, बाकी डायमंड का एक इंचेंटेड फुल्ली आलमंड मिल गया, टोटेम ऑफ अंडाइंग मिल गए 2, बस ये सब मिल गया मेरे को। अब क्या बोलते हो गया काम, अब मुझे बस नेडल में जाना, नेडलाइट वाला बनाने के लिए। मतलब मेरे को इस वीडियो में एंशियंट डेब्लीज को भी अब माइन करना पड़ेगा, पिछले 3 घंटे से लगा हुआ, पता नहीं कितना घंटा और लगेगा, बट कोई बात नहीं एंशियंट डेब्लीज भी माइन कर लेंगे, चलते हैं नेडल में। उसके लिए नेडल पोर्टल वाला सारा का सारा सामान तो मेरे पास पड़ा हुआ ही है, उतना वाला ऑब्सीडियन कटली जो लगा लिया था, बट कोई बात नहीं नेडल पोर्टल बनाते हैं और चलते हैं एंशिएंट डेब्लीज की माइनिंग पे। TNT भी मुझे मिल गया है, TNT से ब्लास्ट कर करके एंशिएंट डेब्लीज खोज लूंगा ना तो जल्दी मिल जाएगा। बाकी गोल्ड तो मेरे पास भला पला है ही, तो नेडल एंशिएंट डेब्लीज मिलने के बाद गोल्ड और कोल बनाने में मेरे को टाइम लगेगा नहीं, जल्दी सब कुछ बन जाएगा, बस एंशिएंट डेब्लीज ढूंढने में जो टाइम लगेगा। ये TNT लगाया बस फट गया। यहाँ पे मिला क्या, चलो मुझे 3 एंशिएंट डेब्लीज मिल गए, लेकिन बस 3 ही मिले हैं। 3 एंशिएंट डेब्लीज से कितना, शायद 4 एंशिएंट डेब्लीज से एक नेडलाइट इंगट मिलता है। भाई अभी बहुत साले को ढूंढना है, आधे TNT खत्म हो गए, बट TNT मेरे पास अभी ढेर साले है, ढूंढ लेंगे सब कुछ ढूंढ लेंगे। चलो मेरा नेडलाइट वाला भी बन गया, मैं बता नहीं सकता मेरे को कितना प्रॉब्लम हो नेडलाइट ढूंढने में। बाकी अब मैं पूरी टली के शर्ट तैयार हूँ, मेरा जरा एलमल का एंचैनमेंट लेवल तो देख लो कितना हाईएस्ट एंचैनमेंट है। मेरे को लगता है इस शॉर्ट से अगर मैं एक हिट इंडर लैगन को मार दूंगा ना तो बेचारा ऊपर से सीधा ऊपर वाले के पास ही पहुंच जाएगा। चलो सही है, अब मेरे ख्याल से मेरे को अब चलना चाहिए एंड में। अब जरा इतना पावरफुल आर्मर लिया तो चेकआउट भी तो करना होगा ना। चलो इंडर ड्रैगन भैया आ जा टेलीताले के साले क्रिस्टल मैंने फोल दिए, तू भी आ जा, टेले को भी फोल दूंगा। अब ओ ओ ओ एक ही हिट में इसको अच्छा खासा डैमेज हो गया, लगता है 2-3 हिट में तो इसका पूरा का पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। सही है स्वॉर्ड बहुत पावरफुल है, सही है। आने दो आ गया, फेल भाग गया यार, बस एक हिट का मेहमान है तू, एक हिट में तेरा किस्सा खत्म। गोल्डन एप इंचेंटेड एप्पल खाओ और प्रभु के गुण गाओ, फिर से आ जा प्याले इंडेड लगन, आ जा तेरा आखली लास्ट हो गया दोबारा से इंडेड लगन का खात्मा हो गया। मतलब इस वीडियो में भी हमने इंडेड लगन को सक्सेसफुली मार ही दिया। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वो तो तुम लोग कभी करते ही नहीं हो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग फिर मिलेंगे तुमसे ऐसी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।